विशेष वैष्णव उत्सव नहीं है, 19 अगस्त तृतीया तिथि शनिवार का दिन है, श्रावण महीना चल रहा है, साग सब्जी पत्तेदार सब्जियों से। परहेज करने को कहा गया है। फाल्गुनी नक्षत्र चल रहा है और आज तृतीया तिथि। तो हम अपनी जो वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और श्रृंखला में हम अन्य अभिलाषा छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरि इस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित ये भजन प्रेम भक्ति चंद्रिका पुस्तक से लिया गया है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आशा संगति सदा त्याग करो अन्यागिता, कर्म ज्ञानी परी हरि गुरु केवल भक्ता संगा प्रेम भक्ति रसारंगा लीला कथा ब्रजपुर। तो फिर से एक बार नरोत्तम दास ठाकुर इस बात पे हमारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि हे भक्त, इस संसार में यथाउचित कर्तव्य बोध से केवल आजीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है केवल उतना ही प्रयास करो। ये मत समझो कि जिस घर को आप घर में आप रह रहे हो उसको बहुत सुंदर बना देंगे क्योंकि हम क्योंकि बहुत समय तक रहना है। एक समय लोमश ऋषि अपने पुआल का एक ढेर था, उसके एक तरफ बैठ करके भजन कर रहे थे। पुआल, जो लोग गांव में रहे हैं वो लोग जानते हैं, पुआल जब घास जब गेहूं कट जाता है तो उसके नीचे का जो पार्ट है वो उसको पुआल बोलते हैं। उसको सबको इकट्ठा करके खूब सारा और एक जगह रख दिया जाता है। तो कहीं ऐसे ही घास का एक टीला सा बना हुआ था, उसके एक तरफ लोमश ऋषि भजन कर रहे थे और इंद्र आते हैं और उनको देखते हैं कि कौन है जो हरे कृष्ण कर रहा है, भगवान का नाम दे रहा है। तो लोमश ऋषि को देख करके इंद्र कहते हैं कि आप इतनी धूप में भजन कर रहे हैं, कभी इधर जाते हैं, जब धूप इधर आती है तो इधर आ जाते हैं। तो फिर लोमश ऋषि को इंद्र कहते हैं, इंद्र जी कहते हैं कि आप एक कुटिया क्यों नहीं बना देते। लोमश ऋषि कहते हैं कि देखिए, जीना बहुत कम है, थोड़े समय की बात है, क्या इसमें सब बहुत सारा चीज करना, कुटिया बना, भजन के लिए समय नहीं मिलता। तो एक भक्त को भी इसी प्रकार से होना चाहिए। असत की संगति बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है हमारे भजन को दूषित करने के लिए। हम जितना असत संग करते हैं हमें उतना अधिक जो है भगवान भक्त और भक्ति के अवयवों को आदर करने में कठिनाई होगी।
असत संग करेंगे। असत संग का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि टीवी देखना, यूट्यूब देखना, ये सब देखना, ये तो असत संग है ही है, और ऐसे लोगों का संग करना जो भगवान के भक्त नहीं है, वो तो है ही है। उसके साथ साथ ऐसे जो भी वस्तु हैं जो आपके लक्ष्य में आपकी आपको प्रेरणा नहीं दे, ऐसी चीजों का, ऐसी बातों का, ऐसी व्यक्तियों का संग करना हमारे लिए प्रभावशाली, हमारे लिए हमेशा समस्याओं का कारण बनेगा। मान लीजिए कोई एक भक्त है, वो बहुत प्रभावित है किसी एक, कोई वृंदावन के कोई सन्यासी हैं या बाबा जी, लेकिन वो प्रभुपाद जी के प्रति उनके श्रद्धा नहीं, प्रभुपाद जी के प्रति उनका फेथ नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों का संग करने से, ऐसा निरादर नहीं करना है, अगर कोई कुछ कहता है तो ठीक है दूर रहना है, पर वो ऐसे व्यक्तियों का बहुत संग करने से हमें अपने जो परंपरा है उसके प्रति श्रद्धा टूटेगी, श्रद्धा कम होगी, और जब श्रद्धा कम होगी तो हम उनके आदर नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे तो फिर अंदर से हृदय से प्रेम भी नहीं आएगा, जब प्रेम नहीं आएगा तो चीजों को ध्यान देने में कठिनाई है, उनको क्या दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, क्या उनके मन में चल रहा है, वो चीज हम समझ नहीं, क्यों? क्योंकि हम प्रेम नहीं करते, तो जब प्रेम नहीं करते तो इस तरह से होगा, और फिर इससे क्या होगा, हम उनका निरादर कर रहे हैं, अपराध होंगे कुछ ना कुछ, और फिर इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर इसके बारे में भक्ति आलोक ग्रंथ में बताते, असत संग चैतन्य चरितामृत में भी इसका वर्णन वर्णन आता है, असत संग त्याग एहि वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त अभक्त आ। तो एक तो स्त्री संग या पुरुष संग, जो स्त्री है उनके लिए पुरुष संगी, कोई व्यभिचारी स्त्री है या व्यभिचारी पुरुष है तो ऐसे व्यक्ति का संग करना, वो बार बार बताएंगे कि हम देखो वहां पर गए थे, ऐसे वेश्या का संग किया, ये देखो वहां पर गया था मैं, इस प्रकार से मैं आनंद भोग कर रहा हूँ, या फिर एक तरह का व्यभिचार ये भी है कि जितना हमको आवश्यकता है उससे अधिक, बहुत अधिक जो है इकट्ठा करके उसका भोग कर रहे हैं, तो एक तरह का व्यभिचार है, क्योंकि हमारे गुरु ने जो आदेश नहीं किया है उसका भोग करना या उसका कुछ भी प्राप्त करना या उसका आनंद लेना, एक प्रकार से व्यभिचार है, क्योंकि तुम जिस चीज के भोगता की अधिकारी नहीं हो उसका भोग करना व्यभिचार ही तो है। तो आध्यात्मिक सिद्धांत थोड़ा धीरे धीरे जब हम बढ़ते जाते हैं तो दूसरों के लिए आध्यात्मिक सिद्धांत और व्यापक होते जाते हैं और हमारे लिए और संकीर्ण होते जाते हैं। ऐसा हमारे अनुभव में ये आता है कि जब हम आध्यात्मिक सिद्धांतों को सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अब ये इनके लिए ऐसा होना चाहिए कि इनको संकीर्ण मानसिकता से देखो और मुझे व्यापक मानसिकता से, मतलब सी मी विद ए ब्रॉड ब्रॉड माइंडेड विजन एंड सी अदर्स एज नैरो माइंडेड विजन, बट एक्चुअली इट शुड बी अपोजिट, वी शुड सी अदर्स विद ब्रॉड माइंडेड विजन एंड सी आवर सेल्व्स एज नैरो माइंड, मीन्स व्हाट, हम अगर देख रहे हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि मैं थोड़ा सा भी प्रभुपाद जी के प्रति थोड़ा मतलब फेथफुल नहीं हूं, या फिर कहीं ऐसा है कि मैं थोड़ा सा हमारे अंदर असत संग कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, इसको कहते हैं नैरो माइंडेड टुवर्ड्स वन सेल्फ, और दूसरों के प्रति ब्रॉड माइंडेड एंड कम, मतलब कोई हरिनाम ले रहा है, भगवान कृष्ण का नाम नहीं ले रहा, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं ले, कोई दूसरा ही ऐसा ही नाम ले रहा है, तो उसके लिए अगर हरि बोल बहुत बढ़िया,
अब अच्छा, आप हर दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। आप समझ रहे हैं? तो उनकी इस ब्रॉड माइंडेडनेस का मतलब ये है कि वी कैन सी ओनली वन थिंग, बट वी आर इनकैप्सुलेटिंग मेनी अदर थिंग्स जस्ट टू सी द गुड इन हिम। ऑल्दो वो कुछ और नहीं करता है, अच्छा ओम नमः शिवाय तो छोड़ो, कोई जाप नहीं, वो हरे कृष्ण महामंत्र तो करता ही नहीं, लेकिन एक काम जरूर करता। वो क्या? वो कौओं को पानी देता हर दिन। दिस इज कॉल्ड ब्रॉड माइंडेडनेस टुवर्ड्स अदर। हर दिन आप कौओं को पानी देते हैं? अरे वाह, बहुत अच्छा। तो धीरे धीरे जो है, हाँ ये अपने शिष्य हैं, कोई अगर कोई गुरु के रोल में है या फिर और आप पिता हैं तब नहीं। जैसे भवभूति नाम के एक बहुत बड़े आचार्य, एक समय की बात, भवभूति के पिताजी भवभूति की सारी दुनिया तारीफ करती थी, सारे लोग तारीफ करते थे, जहां भी जाते थे उनकी विद्वत्ता की तारीफ होती थी, उनके सेवा भाव की तारीफ होती थी। लेकिन एक व्यक्ति उनकी तारीफ नहीं करता था। कौन? उनके पिताजी। उनके पिताजी उनकी कभी तारीफ नहीं किया। भवभूति जो थे, तो भवभूति को लगा कि इस संसार में सारे लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, सब लोग मुझे गले लगाते हैं, कई लोग तो है ना चुम्मी भी लेते, इतना प्रेम मेरे से कर रहे, गिफ्ट भी दे रहे मुझे बार बार, जो है बहुत प्रेम कर रहे, सब लोग आते हैं मुझे कहते हैं कि आप इतने महान, आप कितने अच्छे हैं, आपकी कृपा से सब काम करते हो आप और मेरा नाम। एज इफ दे हैव रिप्लेस्ड मी विद गॉड, मतलब रिप्लेस्ड गॉड विद मी। इतना लोग भगवान के जैसे मानते, लेकिन मेरे पिताजी, ये कभी मेरी तारीफ है? बताओ, नेवर एवर ये अप्रिशिएट, कभी एक बार भी ढंग से नहीं, थोड़ा बहुत कभी किसी से कह देंगे हाँ हाँ अच्छा कर, थोड़ा कभी ढंग से अप्रिशिएट नहीं। तो एक दिन भवभूति कटार लेकर के, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, तो जो सबसे हितैषी उनके पिताजी, कटार लेकर के आए और दूसरे कमरे में थे, कटार लेकर के बेड के नीचे, बिस्तर के नीचे, तकिए के नीचे छिपा लिया कि आज पिताजी को मार दे, क्योंकि यही एकमात्र व्यक्ति है जो मेरी तारीफ नहीं करता है, बाकी संसार में सब लोग तो मुझे गले लगा रहे हैं, किस कर रहे हैं, गिफ्ट भी दे रहे हैं, टीका लगाते हैं, माला पहनाते हैं, जहाँ भी जाते हैं आदर सत्कार होता है, बड़ा अच्छा सा जब चरण भी धुला जाता है, लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये पिताजी, इसको आज मैं मार दूँ। रात में लेकर के बैठते हैं दूसरे कमरे में, माता पिता सोए हुए हैं, माता को उनका चेहरा देख करके थोड़ा समझ में तो आता है कि कुछ टेंशन तो चल रही है चेहरे अंदर हृदय में। आश्चर्य की बात, देखिए भगवान के लीला, भवभूति को समझाने के लिए माता ने आज प्रश्न पूछ लिया पिताजी से कि आप इसकी तारीफ नहीं करते, खुल करके आप हमेशा दोष ही देखते रहते हैं, सुधारते रहते हैं, यही सब करते रहते हैं, अरे कभी तारीफ भी करना था। तो उनके पिताजी कहते हैं कि मैं उसकी तारीफ नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं एक इस दृष्टि से उसको देखता हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा जो होना चाहिए जो उसके दोषों को देखे और उसको सुधार कार्य करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, और उसका भाव न बढ़ जाए बहुत ज्यादा, ऐसा ना सोचने लगे कि मैं बहुत ऊंचा हूँ,
निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छत। ये सब सोच करके मैं जो है बहुत अधिक नहीं करता, लेकिन आजकल एक बहुत बड़ा पीयर प्रेशर हो गया है, गुरु को भी और सबको भी बड़ा बड़ा जो है बटरिंग ही करनी पड़ती है शिष्यों। लेकिन ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शिष्य और गुरु इनका जो संबंध है वो तो ऐसा संबंध है कि उसको डांटना चाहिए, दोष निकालना। नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं असत संग त्याग है ना, असत संगति सदा त्याग करो न्यागिता। दूसरे जो गीत हैं, दूसरे जो सॉन्ग्स हैं उनको जो सुनते हैं, फिल्म के गाने सुन रहे हैं, कितनी बार सुन चुके अभी भी मन संतोष नहीं करता, तो असत संगति को छोड़ना चाहिए और कर्मी और ज्ञानी लोगों को दूर भगाना चाहिए। तो कर्मी व्यक्ति का मतलब ये है जो हमेशा अपने फायदे के लिए सोचते रहते हैं, उनसे दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि ऑटो में उनके बगल में नहीं बैठना है या कहीं उनके बगल में नहीं बैठना, ये नहीं। दूर रहने का मतलब है मन से दूर है उनसे। हम वी आर अप्रिशिएटिंग दोज थिंग्स विच आर डन विदाउट एनी लस्टी मोटिव। वी बिकम दैट काइंड ऑफ वी डेवलप दैट काइंड ऑफ अप्रिसिएशन। केवल भक्त संग, केवल भक्त संग मतलब श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है केचित केवलया भक्त्या वासुदेव तथार्थ स्यान महत् सेवया भुक्ता पुण्य। श्लोक ऐसे कुछ करके निशे बना, तो ये कह रहे केचित केवल या भक्तिया, ऐसा केवला भक्ति जो करने वाले भक्त लोग हैं उनका संग करना चाहिए। केवला भक्ति जो है बड़ी अच्छी भक्ति, ऐसी भक्ति करने वाले लोगों का या फिर भक्त भक्तों का ही केवल संग करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने एंगेजमेंट को बहुत बढ़ा देना चाहिए। कुछ ना कुछ इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मंदिर का या फिर भक्तों का ऐसा कुछ होना चाहिए कि बहुत सारा बिजी हो जाएगा। प्रेम भक्ति रस रंग, तो फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर सेवा का सुख होगा, बार बार सेवा करने को मिलेगा। शुरू के 15-20 साल हमको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भजनानंदी नहीं बना कि बस अपना भजन में लगे हुए कब्जाब हो रहे हैं बहुत हरिनाम में और इसमें। हाँ ठीक है, एब्जॉर्प्शन इज गुड, जब करें तो करें, पर शुरू शुरू में 15-20 साल भी हमको इतना ज्यादा जो है बहुत ज्यादा इसमें नहीं सोचना चाहिए, बस एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब उसमें हाथ पैर सब कुछ लगना चाहिए, तब जा करके मन ज्ञान केंद्रित हो पाता, क्योंकि मन इतना हठी है, केवल मन ही किसी चीज में लगा हुआ है, ये चीज शुरू के भक्ति के उसमें ठीक नहीं है। तो असत संगति को छोड़ना चाहिए, असत संग त्याग यही वैष्णव। भक्तों को ध्यान देना चाहिए कि इस चीज को कैसे रोकें, कुछ भी उपाय, दूसरा कोई उपाय, कैसा भी उपाय की, इसी पे तो मन लगाना है। किस पे मन लगाना, क्या चीज पे व्यक्ति प्लान बनाता है, क्या चीज जो है भक्त सोचता रहता है कि ये चीज करना है, क्या करना, हाउ विल आई लीव असत संगा, कैसे मैं असत संग छोड़ूंगा, दूसरा कैसे ऐसा होगा कि मैं वैष्णवों को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या चीज मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, मुझे प्रसन्न करना चाहिए, ये चीज का अनुसंधान नहीं रहता कि कहां मुझे ज्यादा बढ़िया प्रसाद मिलेगा। इस प्रोग्राम में तो वो बड़े वाले प्रभु जी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये वाला प्रोग्राम तो
नॉर्मल प्रभु जी हैं बेचारे, किसी तरह 1-2 लाख महीने की जॉब करते हैं बेचारे, क्या कुछ करता हूँ। वो प्रभु जी देखो अरब पति हैं, वहां जाते हैं, वहां 10 गुलाब जामुन मिलेगा, 20 रसगुल्ले मिलेंगे, वो ठीक। तो ये अनुसंधान करने के लिए हमेशा मन इसी में लगा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि ये सब असत असत है। क्या 10 गुलाब जामुन 20 गुलाब जामुन सब यहीं रह जाएगा? तो असत संग नहीं करना चाहिए। असत होता है ये प्रतिष्ठा का, कहीं पर जाते हैं वहां पर जाएंगे, अच्छा मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, लोगों को पता चलेगा कि AAWP वालों ने हमें बुलाया था सो कॉल्ड ऐसे लेक्चर देने के लिए कि भक्ति में कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में हमको, तो हम उसको डाल दिए भाई देखो कितना, आई एम सच ए रेस्पेक्टेबल पर्सन दैट इवन AAWPWQ लोग भी मेरा स्वागत कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है प्रतिष्ठा एक असत वस्तु है, इस संसार में ही रह जाने वाली है, और समस्या ये है कि ज्यादा दिन तक नहीं चली। कुछ लोगों के सामने है, मान लो कल को आपने बहुत बड़े ब्रह्मचारी बन गए, हो सकता है सब लोग बहुत आदर किए, भागवत कथाकार बन गए, लोग एकदम चश्मा पहन करके एकदम भभूति लगा करके आप एकदम एक कंठी माला की जगह 10 कंठी माला पहन ले, और तिलक के एक तो लगाते ही थे, तिलक की जगह पे पूरे माथे पे गाल वाल पे सब जगह तिलक पे पूरा गोपी चंदन लगा लिया, लोगों को लगे कि बड़े प्रभु जी आ गए हैं, जो छोटे मोटे नहीं, जो नॉर्मल 2 लाइन वाले तिलक लगाते, ये जो है जो मुंह भर पे पोत लेते हैं वो वाले प्रभु जी हैं, 1 कंठी माला वाले 2-3 राउंड वाले नहीं है, ये 50 राउंड कंठी माला पहनते हैं। क्योंकि ये 50 राउंड कंठी माला पहनते हैं इसलिए अब सोच लो कि कितनी ज्यादा इनकी भक्ति बढ़ी हो, है कि नहीं, बह नहीं रही होगी भक्ति इनकी, बह रही होगी भक्ति। तो इस तरह से जो है कई बार ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन ये जो प्रतिष्ठा है ये असत वस्तु है। पता चला ऐसा कर दिया, फिर किसी कोई माता जी आई, उन्होंने कहा कि भाई देखिए मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो, आप ही से विवाह करना चाहते हो, अगर आप विवाह नहीं किए तो मैं जान दे दूंगी। वो वैसे भी जान नहीं देंगे, उनको अपना जान प्यारा है, अच्छा जान चाहिए, तभी तो वो ऐसे कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पक्का मना कर देंगे तो वो पक्का सुसाइड नहीं करे। अब चिंता, जो लोग कह रहे हैं जोर जोर से, आज तक जितने भी लोग सुसाइड किए चुपके से ही किए, एक लेटर लिखे चुपके से कर लिए, जो कह रहा है कि सुसाइड कर लेंगे ना वो पक्का नहीं करो, आप चिंता मत करो, आप करने दो उनको सुसाइड। तो फिर आए सुसाइड, वो बोले कह रहे मेरे लिए इतना पागलपन इस सृष्टि में किसी को नहीं है, यही है मेरी राधा, मैं कृष्ण हूँ, यही मेरी राधा है। तुरंत विवाह हो गया, फिर वही लोग सारे लोग बदनामी होगी, और वही लोग जो कह रहे थे कि प्रभु जी की कंठी माला तो गिन ही नहीं पा रहे हम लोग, 33 करोड़ कोटि जो देवता हैं उनसे भी ज्यादा इनकी तो कंठी माला इनके शरीर, बताओ इतने श्रेष्ठ वैष्णव है। तो ये जो है कोई अगर वैष्णव दूसरे अगर वैसा करते हैं उनको हमको नहीं ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो अपना 2-3 कंठी माला पहने, राधे राधे का पहने, चाहे जो भी पहने उनका मर्जी, हमको इसको नहीं अब ज्यादा इसमें नहीं देना, क्योंकि प्रतिष्ठा एक असत वस्तु है, आज है कल नहीं रहेगी। जो लोग अभी आपको पानी पूछ रहे हैं, दूध पूछ रहे हैं, सब कुछ पूछ रहे हैं, एक दिन ओए अपने से आ जाए, हाँ ठीक है ना, अपने से आ जाए, कोई रिसीव रिसीव करने नहीं आए, अपने से आ जाए, है कि नहीं। तो उस समय जब आपका भाव न बदले तो ये जो है श्रेष्ठ है, ठीक है। तो व्यक्त को ये देखते रहना चाहिए कि असत वस्तु क्या है। मान लीजिए एक नया मकान लिया, या फिर नया जॉब स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट, तो बिजनेस स्टार्ट किया जितना आवश्यक है, जो है वो चीजें करना चाहिए, जो चीजें आवश्यक है उसकी, हो सकता है कि उसके लिए आवश्यक हो आपको मर्सिडीज रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा, तो रख, लेकिन ये आवश्यकता को देख करके जितना आवश्यक हो उसके अनुसार ही हमको उपचार करना चाहिए, या फिर जो प्रयास करना चाहिए। अधिक करने पर ये संसार में जीविका के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने पर, मान लो घर खरीदे, अब उसमें एक बेड डाल दिया, बेड में भी हम सोच रहे हैं कि बेड के बैकग्राउंड में सोफा होना चाहिए,
फिर उसमें भी और भी बड़ा सोफा, तो वो देख करके हम एकदम एकदम अच्छे हो गए। अरे वाह वाह वाह, क्या घर है। तो घर में भी एयर प्यूरिफायर है, एयर प्यूरिफायर, फिर एक और क्या क्या बहुत सारी चीजें डाल करके रखी हूँ। वो देख करके हम एकदम इम्प्रेस्ड हैं। तो बहुत एयर जो किसी किसी जगह पे दिल्ली इत्यादि में आवश्यक है, तो रखना चाहिए। तो मैं ऐसे भी नहीं कह रहा, लेकिन इन चीजों को समझना बड़ा आवश्यक कि बहुत सारे असत चीजों में ही हम फंस जाएंगे। ये करने वो करने में इतना फंस जाएंगे कि हमारा जो मूलभूत जो हमारा वो हम नहीं। तो इसीलिए असत संग असत जो है चीजों के प्रति सचेत रहना चाहिए, इन्हीं चीजों में नहीं। अब मैं वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी मेकअप इतना स्ट्रांग मेकअप कर लिया है कि लोग कह रहे हैं कि अरे दुल्हन खो गई है, इसी को बैठा दो इतना मेकअप करके आ गए। तो ये चीज को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्त प्रतिदिन सुबह आते हैं, भगवान के कथा श्रवण करते हैं। ये वैष्णव भजन बड़े ही सशक्त माध्यम है, बहुत ही शक्तिशाली। ये हमें जो सिद्धांत बताते हैं वो थोड़ा ऊंचा सिद्धांत होता है, लेकिन ये थोड़ा सा सीनियर्स लोगों की क्लास है। नॉर्मल जो क्लासेस होती हैं उसमें वो इस जो चीजें बताई जाती हैं वो सामान्य नहीं है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उत्कृष्ट इसलिए कि थोड़ा जो भक्त कुछ स्तर का अभ्यास कर चुके हैं, जैसे कि चार नियम पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मन में जो एक तीव्र भजन है उसकी लालसा है और उसको तीव्रता को बढ़ाने के लिए अपनी क्वालिटी को और बढ़ाना चाहते हैं। एक तो यह है कि हम बार बार बताते हैं कि चार नियम का पालन करना चाहिए। तो ये चार नियम का पालन करना कोई छोटी बात नहीं है, कलयुग में बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं फिर उनके लिए थोड़ा सा और बताना चाहिए ताकि उनका भजन और परिपक्व। इसलिए इस प्रकार का ये जो बड़ा ही उत्कृष्ट बहुत ही ऊंचा स्तर का है सिद्धांत वैष्णव भजनों में, वैष्णव भजन हमारे जो सिद्धांत है उसमें सबसे श्रेष्ठ, जितने भी पुस्तकें हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ वैष्णव भजन, चैतन्य चरितामृत से भी श्रेष्ठ सिद्धांत देने वाला ये वैष्णव भजन। ठीक है, तो हम इस पर यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? तो हैंड रेज कर सकते हैं। हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु प्रणाम। जी, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को हरे दंडवत। कृष्णा।